प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जांच कर रही एसआईटी को न्यायालय से बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपित आरती दयाल, मोनिका यादव न्यायिक हिरासत में भेजी गई, वहीं अन्य तीन आरोपियों का पुलिस रिमांड न्यायाधीश ने स्वीकृत कर लिया। हनी ट्रैप मामले में आरती दयाल की सहयोगी श्वेता पति विजय जैन, श्वेता पति स्वप्निल जैन, बरखा पति अमित सोनी सहित आरती और मोनिका यादव का पुलिस रिमांड न्यायाधीश मनीष भट्ट ने एसआईटी के आवेदन पर स्वीकृत किया। लिहाजा श्वेता पति विजय, श्वेता पति स्वप्निल और बरखा सोनी को एसआईटी के हाथों 30 सितंबर तक न्यायालय ने सौंपा है। आरती और मोनिका पूर्व से पुलिस रिमांड पे थी, इनको आज पेश करके इनका फिर से पुनः पुलिस रिमांड मांगा गया, जो न्यायालय ने 1-10 तक का इन दोनों का पुलिस रिमांड दिया है। तीन अन्य महिला आरोपी जो पहले से जुडिशल रिमांड पे होकर जेल में थी, कुछ नए तथ्य आए, उन नए तथ्यों के संबंध में भी श्वेतापति विजय, श्वेतापति स्वप्निल और बरखा सोनी इनका भी पुलिस रिमांड लिया गया, जिनका 30 नौ तक का पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ है। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन में जो नए तथ्य आए उनके संबंध में इन तीनों का पुलिस रिमांड लिया है। जो आरती थी जो पहले से पुलिस रिमांड पर थी, वो पुलिस को अनुसंधान में या इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रही थी, बार बार बीमारी का बहाना बना रही थी, इसलिए पुनः उसका पुलिस रिमांड। वहीं दूसरी तरफ आरती दयाल और मोनिका यादव का पुलिस रिमांड 1 अक्टूबर तक तय किया गया। मामले को लेकर एसआईटी की ओर से इंदौर क्राइम ब्रांच एएसपी अमरेंद्र सिंह मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।